जी व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने ये मैजिकल ऑयल देखना आएगा जो कि आप लोगों के बालों को घना करेगा, काला करेगा, मोटा करेगा और हेल्दी करेगा और आप लोगों के बेजान बालों में एक नई जान लेकर आएगा, तो वीडियो देखिएंगे और एंड तक देखने की कोशिश करें क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़बरदस्त टिप्स बताने वाली हूँ और एंड में एक ऐसा मैजिकल जो है ना चीज़ डालने वाली हूँ जो कि अगर आप लोगों के सर से पूरे के पूरे बाल उड़ भी गएंगे तो तब भी आप लोगों के बाल तेज़ी से दोबारा रीग्रोथ होंगे, ये शर्त है। लेकिन शर्त उसी वक्त है कि आप लोग ये तेल लाजमन लगाएंगे चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने। तो चले नाज़रीन, अगर आप लोगों को देखना है ये ऑयल किस तरह से बनता है तो एंड तक पूरी वीडियो लाजमन देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रेमेडीज़ विद नाज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खैरियत से रखे, खुश और खुर्रम रखे। आज नाज़रीन आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त तेल लेकर आई हूँ, उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए तेल लेकर आई हूँ जिनके वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैंगे। वक्त के साथ साथ तो नाज़रीन सबको पता है कि बाल सफ़ेद हो ही जाते हैंगे, एक कुदरती अमल है, ठीक है। लेकिन आज ये तेल मैं उन लड़कियों और उन लड़कों के लिए लेकर आई हूँ जिनके बाल वक्त से पहले टीनेज में जो है ना सफ़ेद हो गएंगे, और उन पेशेंट के लिए लेकर आई हूँ जिनको एलोपेशिया है या जिनको गंजपन का शिकार हो रहे हैं या जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले, बारीक, बेजान, बेडल हो रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा नाज़रीन की वीडियो एंड तक देखिएगा। तेल तो मैं बनाऊँगी कड़े पत्ते से और एलोवेरा से, लेकिन एंड में एक ख़ास चीज़ डालूँगी, ठीक है, जो आपके बालों को तेज़ी से जो है ना ग्रोथ करेगा, ठीक है, और नए बाल निकालने में मदद करेगा। तो चलिए नाज़रीन स्टार्ट करती हूँ। जी व्यूअर्स, इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बालों को जो है ना वाइट बालों को काला करेगा आप लोगों के, ये हमारे मेलानिन को एक्टिव करता है और इससे मेलानिन बालों को काला करता है, ये बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करता है और बालों को लंबा और घना करता है। इसमें एमिनो एसिड और बीटा कैरोटीन वाफर मकदार में पाया जाता है जो कि हमारे पतले और जड़ते हुए बालों के लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है, और ये एक बेहतरीन कंडीशनर भी है। नाज़रीन, सेकंड पे मैंने लिया एलोवेरा। एलोवेरा कोशिश करें कि इसी तरीके के बड़े पौधे ही लेना, आप लोग छोटी बेबी पौधा बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि वो जो है ना उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह का जो बड़ा पौधा होगा कम से कम भी दो साल वाला हो, ठीक है, तो आप लोगों ने वो वाला पौधा लेना है, ठीक है, पतला वाला बिल्कुल भी नहीं लेना आप लोगों ने। मैंने तकरीबन ये तीन अदद जो है ना वो लिए पत्ते लिए क्योंकि इसके जो है ना साइडों पे बिल्कुल भी जो है ना इतना एलोवेरा जेल नहीं है, तो मुझे यहाँ से ही कट करके इसका ना जेल निकालना है, ठीक है। ये पौधा अपनी खसूसियात की वजह से पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाता है, ये एक मैजिक प्लांट भी है, ठीक है, ये हमारे बालों और स्किन, सेहत सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोशिश करें कि जितना पुराना पौधा होगा तकरीबन दो साल का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी तिल का तेल, तिल के तेल में बनाऊंगी। तिल का तेल भी नाज़रीन बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से काला करता है, ठीक है, और साथ में मैं सरसों का तेल डालूंगी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सरसों का तेल सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। तो चले नाज़रीन बताती हूँ, और ख़ास तौर पर एंड में एक ज़बरदस्त सी चीज़ बताऊंगी, तो वीडियो लाजमन देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा ताकि सही से आप लोगों को समझ में आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चले नाज़रीन बताती हूँ तेल बनाने का तरीका। सबसे पहले हमने क्या करा नाज़रीन, मैंने ये जो है ना कड़ी पत्ता ले लिए थे और इसको मैंने सिर्फ दो के जो है ना हवा में खुशक कर लिया, ठीक है, कोई ड्राई व्राई नहीं करे, धूप में भी ड्राई नहीं करना। मैंने जो है ना ताज़े पत्ते लिएंगे, तकरीबन मैंने ये तीस रुपए की जो है ना इतना सारा मुझे मिल गया था, ठीक है, आराम से सब्ज़ी की दुकान से आप लोगों को मिल जाते हैं। और इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने जो है ना ब्लेंडर में डाल लेना और पेस्ट बना लेना है, ठीक है। ब्लेंडर में जब मैं डालूँगी इसका पेस्ट बनाऊँगी तो इसमें मैंने कोई पानी नहीं डालना है, ठीक है नाज़रीन, पानी इसमें नहीं डाले। आप लोग कोशिश करें कि इसको ऑयल के साथ जो है ना आप लोग पीसें। तो ऑयल इसमें कौन सा डलेगा, मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, ठीक है। मैं इसमें तकरीबन जो है ना अपने अंदाजे के हिसाब से इतना डालूँ कि इसमें जो है ना ये तेल पीस जाए, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और इसी से मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ पेस्ट बना के। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है ना पीस लिया है, ठीक है, तो तेल के साथ पीसा है। बार बार बोल रही हूँ आप लोगों ने पानी का एक कतरा भी नहीं डालना है इसमें, ऑयल के साथ आप लोगों ने पीसना है। अगर आप लोगों ने सरसों का तेल नहीं डालना है तो कोई से भी आप लोग तेल डाल सकते हैं, जो तेल आप लोगों को सूट करता है, ठीक है। मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। अच्छा जी नाज़रीन आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने जो है ना एलोवेरा के जो है ना पत्ते ले लिए तो, और मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब ख्याल रखिएगा आप लोग, ये देखिए जो इसका येलो येलो निकल रहा है ना तेल सा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है, इसको आप लोगों ने कट कर लेना है, ठीक है, ये आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, ये जहरीला होता है। और ये मैंने साइड से भी कर लिया है कट, मैंने इसको कट करके ना इसका जेल निकाल लेना है, ठीक है,
साइडों से ये कांटे हटा दूंगी इसको इसके अच्छी तरह से। कट करके आप लोग ऐसे करें कि इसका पल्प निकाल लेना है, ठीक है नाज़रीन। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं मैं इस तरह से जो है ना कट कर करके इसके जो है ना ये निकाल रही हूँ, ठीक है। मैंने इतना निकाल नहीं है और मैं बाकी भी निकाल रही हूँ, सही है जी नाज़रीन। अब मैंने इसका भी आप देख सकते हैं मैंने सारे एलोवेरा में से जो है ना ये पल्प निकाल लिया। अब इसको भी जो है ना मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी अच्छे तरीके से और सारा मैं इसको जो है ना मैश कर लूँगी, ठीक है। तो मैं मैश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से जो है ना मिक्सर में इसको बिल्कुल जो है ना बारीक पीस लिया है, ठीक है। आप चले तो तेल बनाने की तरफ चलते हैंगे। जी तो नाज़रीन ये मैंने तिल का तेल ले लिया है, ठीक है। मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब लिया है, सही है। तिल का तेल जो है ना बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, एक तो गर्मी के मौसम में, दूसरा जो है ना अगर आप लोगों को बाल तेज़ी से काले करने हैंगे तो मैंने इसलिए तिल का लिया। आप कोई से भी ले सकते हैं, आजकल गर्मी है जैतून का तेल ना ही लो तो बेहतर है। और अगर हम नारियल का तेल लेते तो उसके सारे जो है ना एंजाइम्स जो है ना वो क्योंकि इसको पकाना पड़ता है ना तो वो जल जाते हैंगे। अब हमने क्या करना है, जो ये मैंने कड़ी का पेस्ट बनाया था ना कड़ी पत्तों का, वो मैंने सारा डाल देना है, लेकिन हमने इतना नहीं पकाना है कि पत्ते बिल्कुल जल जाए, ठीक है। हमने जलाना नहीं है पत्तों को, ठीक है। सारा का सारा मैंने जो तेल में कड़ी पत्ते जो है ना ब्लेंड किया था वो मैंने इसमें डाल दिया। आँच मैंने दरमियानी रखी है और साथ ही मैं ये जो है ना एलोवेरा का जो पल्प था वो भी इसमें सारा का सारा डाल दूंगी, ठीक है। और अब मैंने चम्मच चलाना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इस तेल को बनने में, ठीक है। हमने हल्की आंच पे करना है, बहुत तेज़ आंच पे हमने नहीं इसको पकाना। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो जो हमें इसके फ़वायदे वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने पकाना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है हमने, ताकि जो है ना ये जले नहीं, ठीक है, और हमें इसका एक बेहतरीन तेल निकल आए। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं तेल में बबल्स बन रहेंगे, आँच मेरी बिल्कुल हल्की है, ठीक है। बार बार कह रही हूँ कि आँच आप लोगों ने तेज़ नहीं रखनी है, ठीक है, इसके सारे एंजाइम्स वरना जल जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि बिल्कुल हल्की आँच पे जलाएं और साथ साथ में ना चम्मच चलाते रहे कि लग ना जाए नीचे से, ठीक है। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं तकरीबन मेरा तेल तैयार हो चुका है, सही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मुझे चीज़ें जलानी नहीं है, सिर्फ इतना पकाना है ताकि एलोवेरा का सारा जो है ना अर्क निकला है और जो है ना कड़ी पत्तों का अर्क निकला है, ठीक है। तो ये तकरीबन मुझे इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट के बाद अब मैं इसको जो है ना आप लोगों को छान के दिखाती हूँ। जी नाज़रीन अब मैं इसको जो है ना छानती हूँ, ठीक है। हम इसको छान लेंगे और छान के ना एक बोतल में भर लेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं एक बोतल में भर लूँगी और एंड में इसमें क्या मिलाना है वो मैंने आप लोगों को बताना है, ठीक है नाज़रीन। ये तेल आप लोगों के बालों को काला करेगा, घना करेगा, लंबा करेगा और जो पतले बाल है ना उसको मोटा करेगा, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि मैं ये नहीं बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोग एक दफ़ा लगाओ दो दफ़ा लगाओ तो आप लोगों के जो है ना बाल काले हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे और घने हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन इसका जो है ना कलर भी इतना ज़बरदस्त हो गया और इसमें जो है ना जैसे एक होता है ना तेल में से स्मेल आ रही होती है, इसमें स्मेल की जगह जो है ना कड़ी पत्तों के एक बहुत ही अच्छा जो है ना एरोमा सा आ रहेगा, ठीक है नाज़रीन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊँगी कि जादू हो जाएगा, एक दो दफ़ा आप लोग लगाओगे तो जादू नहीं होता, जो है ना चेहरा बाल वक्त मांगता है, तवज्जो मांगता है। अगर ये तेल आप लोग चंद हफ्ते, चंद दिन, चंद महीने लगातार लगाएंगे, ठीक है, अब आप लोग इसको डेली भी लगा सकते हैंगे, हफ्ते में एक दफ़ा भी लगा सकते हैंगे, दो दफ़ा भी लगा सकते हैंगे, तीन दफ़ा भी लगा सकते हैंगे। जी तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं ऑयल मैंने जो है ना निकाल लिया, आप लोग देखे कलर कितना ज़बरदस्त इसका लाइट ग्रीन सा आया है। अब एंड में मैंने इसमें क्या मिलाना है, मैंने इसके अंदर ये 2 अदद जायफल मिलाने हैं, ठीक है। ये हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं क्योंकि अक्सर खानों में डलते हैंगे, चावलों में और दूसरे खानों में जो है ना डलते हैंगे। ये एक दवाई है, मेजिकल दवाई है, जो कि काफ़ी कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होती है। इसमें काफ़ी मकदार में मिनरल्स, विटामिन, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन, विटामिन ए और विटामिन बी काफ़ी मकदार में पाया जाता है, ठीक है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है
और नाजरीन ये सर दर्द को भी ख़त्म करती है और ब्रेन को तेज़ी से जो है ना तेज़ करती है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल ज़रा सा पाउडर आप लोग दूध में अगर डाल के पियेंगे तो आप लोगों के जो है ना तेज़ी से जो है ना ब्रेन जो है ना तेज़ होगा। सही है, तो मैंने क्या करना है, इसका ये ऊपर का पार्ट हटा देना और इसको बारीक पाउडर कर देना है। और पाउडर करने के बाद मैं इसको जो है ना इस बोतल में मैं तेल डाल दूँगी, फिर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है ना तेल बोतल में डाल दिया और अब मैं जो है ये जायफल जो है ये ऊपर से इस तरह से इसका छिलका हटा दूंगी। ठीक है, ये इसका छिलका मैंने हटा दिया और ये देखो अंदर से इस तरह से ये नट्स निकला है। ठीक है, ये दो अदद मैंने जो है ना पीस के इस तेल के अंदर डालने, तो मैं पीस के दिखाती हूँ आप लोगों को। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है और अब मैं इसको जो है ना इसमें डाल दूंगी। ठीक है, इस ऑयल में डाल के छोड़ देना है, हमने इसको कोई धूप में अब नहीं लगाना है क्योंकि हम ऑयल अपना पका चुके हैं और ये इसमें छोड़ देंगे। ये आप लोगों के बालों को ना तेज़ी से बढ़ाएगा नाज़रीन, ये एक ज़बरदस्त बेहतरीन ऑयल है। ये तेल आप लोगों के बालों को घना करेगा, मोटा करेगा और जड़ते हुए बालों को आप लोगों के रोकेगा। कोशिश किया करें जब आप लोग ऑयल लगाएं तो रात को लगा लें, अगर आप लोगों को रात को ऑयल नहीं लगा सकते आजकल गर्मी है तो आप लोग ऐसे करें कि दिन में दो घंटे नहाने से दो घंटे पहले आप लोग ये ऑयल अपने अच्छे तरीके से बालों की जड़ों में लगाएं। ठीक है, बालों की जड़ों में लगा के छोड़ दें। और अगर आप लोगों को और अच्छा बेहतरीन रिजल्ट पाना है तो मेरे रेमेडीज़ में आप लोगों को बहुत अच्छे पैक मिल जाएंगे, प्रोटीन पैक मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन मास्क मिल जाएंगे, तो कोशिश करें हफ्ते में एक दो मरतबा मास्क भी आप अपने बालों में लगाएं। नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।